अरे ये तो धीरज का स्टेटस है, क्या सीन है? 4-5 लाख रुपए वाला अभी फोन मिलाता हूँ। हेलो हेलो। अरे धीरज जी, ये कैसा है भाई? बढ़िया भाई अनुज, तू सुना? ये कैसे स्टेटस पे 4-5 लाख रुपए वाला, क्या सीन है? दिमाग का खेल है भाई, दिमाग का। जा यार मेरे को भी बता दे, यार लॉकडाउन में बेरोजगार बैठा हूँ यार, लॉकडाउन ने तो हालत खराब कर दी है। चल मैं कल आता हूँ तेरे घर, तब बताता हूँ। अभी मैं यहाँ शिमला आया हूँ, हिल स्टेशन पे हूँ। आया थोड़ा जल्दी आ जाए यार, रातों को नींद नहीं आती भाई, क्या बताऊँ हालत बहुत खराब है, बता दे जल्दी आके यार। बाकी इतने गुस्से में क्यों? और ये चाय बड़ी काली लग रही है। दूध के आपकी अम्मा जी लाके दी थी, जो बना रहे हैं ना चुपचाप पी लीजिए, नहीं तो झोंक देंगे आपके मुंह पे गर्मे गर्म चाय। अरे भाग्यवान सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ, इधर तो आओ। इधर कोई हमारा दोस्त है, साथ में बचपन में कंचे खेला। तो क्या करें हम? अरे सुन तो लो भाग्यवान, आजकल के टाइम पे 4-5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। सब कमाते हैं, हमको सब पता है, बस आप ही नहीं कमाते हैं क्योंकि आपको घर में बैठना बहुत पसंद है। अरे ये कल सुबह आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, मेरे को भी बताएगा कैसे करता है ये काम। अच्छा सच में? हाँ, आपको बोला इसने कि अपने साथ काम कराएगा? हाँ। अच्छा सुनिए ना, फिर आप भी 4-5 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने? आप देखो कह तो रहा है। आपको पता है सब कितना जलेंगे हमसे। देखिए ना हमारा ना बाल भी कितना खराब हो गया, देखिए कितना पसीना हो रहा है हमारा ना, स्किन एकदम पता नहीं खराब हो गया है, एसी लगवाएंगे। सब करा देंगे। अब हमारे बच्चे का फ्यूचर भी बन जाएगा ना जी। हाँ, पड़ोसी ना मूवी देखी हमको बहुत जल्दी, अभी 4-5 लाख रुपए महीने में आएंगे तो सब जलेंगे। हाँ जी। अरे अब मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, दूध वाली। हाँ दूध वाली। Oh bro, bro, 1, 2, 3, yeah! हाँ जी, माय डियर फ्रेंड धीरज नंदन होंगे। धीरज? हाँ जी वो चले गए जी। आप सीनियर हैं ना जी? आइए आइए सर, आइए आइए। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, मतलब देखिए मोटिवेशन हमेशा होनी चाहिए अंदर, पता है? अब जब जाओगे जब सवेरा तो गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पैसे कमाना सीखना आप सबको। हाँ जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को, सुनेंगे? आवाज़ नहीं आई? हाँ जी बताइए। हाँ मेरा लास्ट मंथ का चेक था 1.5 लाख रुपए। अब मुझे ट्रिप मिली थाईलैंड की। हाय बेटा कैसे हो, कितना कमा लेते हो? अच्छा तो मुझे ट्रिप मिली थाईलैंड की। अब आप तो सोच रहे होंगे मतलब इतना मिडिल क्लास आदमी थाईलैंड कैसे जा सकता है, सोच रहे हो? माय डियर फ्रेंड सोच रहे बदतमीज बच्चा। तो अब मैं चल रहा था रास्ते पे, मेरी जेब से गिरा 2 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स कितने रुपए? 2 लाख। अब आप क्या सोच रहे हो मैंने क्या किया? उठाया होगा आपने? ऑब्वियसली उठाया होगा। क्या हो सकता है, क्या होगा? उठाया होगा मैम, उठाया होगा। हाँ आपने उठाया होगा। यही गलती करते हैं आप, यही गलती कर गए आप। अगर मैं उसको उठाने के लिए झुकूंगा तो उतने में मैं 4 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मैं इसलिए आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा काढ़ा लेता हूँ। तो शुरू करते हैं, बस यही है कि आप ज्यादा सोचिए, ज्यादा कमाइए। देखो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप ये बिजनेस करना सीख गए तो मैं बोलता हूँ अगले 4 महीने में दाढ़ी से पहले गाड़ी होगी और पति से पहले करोड़पति होंगे, माय डियर फ्रेंड्स करोड़पति होंगे। अब आप जो है सर, दाढ़ी तो आ गई और पति भी बन चुका हूँ मैं। सर पैसा तो आएगा ना सर, वो मतलब जो मेन चीज़ है ना, पैसा आएगा सर, तो पैसा तो आएगा सर। सर आपकी वो बात तो ठीक है सारी, पर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। यही गलती माय डियर फ्रेंड, यही गलती हम सब करते हैं। चादर छोटी है तो चादर बदल दो ना माय डियर फ्रेंड, चादर बदल दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने शुरू की थी मेरे पिताजी ने कहा कि सब कुछ नहीं होगा, और आपके लोग भी कहेंगे। अब मेरे पिताजी ने कहा इससे कुछ नहीं हुआ क्या माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैम सुनिएगा, उन्होंने कहा मैंने दुनिया देखी है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा माय डियर फ्रेंड्स, यही गलती आपने कर दी। 90% लोग दुनिया में दुनिया को देखने आते हैं, हम जैसे 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया को दिखाने आते हैं। सारी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कमाना कैसे सर? नाइस क्वेश्चन सर, वाह वाह क्या बात है। अब बात करते हैं करना क्या है। सर सिंपल, ये आप हैं मतलब यू, अब आपने अपने दो खास लोगों को जोड़ लिया। मुबारक है सर, आपने 2000 रुपये कमा लिए। सर पार्टी दीजिएगा। अब नीचे जो दो लोग जोड़े आपने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो लोग और जोड़ लिए। एक बार और मुबारकबाद सर, 4000 रुपये कमा लिए, पार्टी दे दीजिएगा सर। अब इन्होंने क्या करा, 100-100 लोग जोड़ लिए अपने नीचे। अब आप खुद सोचे सर, आपके नीचे 100-100, 150-150 लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसा फील होगा सर? अच्छा लगेगा। आप मालिक बन के काम करोगे सर? यस सर। अब 100-100 लोग नीचे जुड़ चुके हैं, एक बार और मुबारकबाद, आप करोड़पति बन गए सर, मुबारकबाद दे दीजिए, मिठाई खिला दीजिए। तो यही है सर नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, अंबानी अदानी डाटा के पीछे छोड़ नेटवर्क मार्केटिंग, समझे सर? तो कैसे काम शुरू करना चाहिए बताइए सर। अब करना क्या है इसमें, इसको करने के लिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैम काफ़ी समझ रही है काम को, सर चला भी सकते हैं। तो ज्वाइन करने का सीधा साधा तरीका मैम, सिर्फ 5000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा और बाकी आपका काम शुरू, 1 साल में करोड़पति। 5000 रुपये सर, सर अभी तो नहीं हो पाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, पीछे लॉकडाउन में जॉब भी छूट गई थी। सर प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहेंगी। एक बार बताइए, ये जिसके पैसे गिरे थे बच्चा जो था, ये अपना था क्या? मतलब प्रॉब्लम तो ज़िंदगी भर रहेंगी ना, मतलब सर समझिए बात को, जैसे कि घर में कुछ सोना वाना नहीं पड़ा हुआ, मतलब कुछ ऐसा। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता। सोना घर में क्यों रखा होता है भाभी जी? आपका कोई हार पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, कुछ टाइम के लिए गिरवी रखी, 5000 रुपये आपको भरने हैं सिर्फ। अब उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को तो लाभ नहीं मार सकते सर। अब पर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इतना प्रॉब्लम है, हम तो खर्चा भी जैसे तैसे चलाए हैं अपने घर का, कैसे देंगे हम 5000 रुपये? सर अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। अरे सर प्रॉब्लम, एक बात सुनिए, अब हमारे पास दो कागज है सर, अब एक पे मैं लिखूंगा क्या प्रॉब्लम, ठीक है सर? अब इस कागज पे आप लिखिए सॉल्यूशन, या फिर ऐसा करिए प्रॉब्लम आप लिखिए, सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, लिखिए। अब इसके टुकड़े कर दीजिए सर, अब सर ये बताइए कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम है काफ़ी, काफ़ी सारी कर टुकड़े हो गए, सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। आप सोचते क्यों नहीं सर? सोचिए सर, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है सर, तो बताइए कैसे कैसे, मतलब कहाँ से? अरे नहीं सर जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, अभी तो हम हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं टाइम देने वाला कौन होता हूँ? देखिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। देखिए मैं खुद आया हूँ, मैं धीरज के कहने पे आप खुद आया हूँ। एक्चुअली मैं कल जम्मू कश्मीर में था, मेरा लास्ट चेक जो आया था आपको बताया होगा धीरज ने, 1.5 लाख रुपये। ऐसे नहीं मिलता सर, ऐसे नहीं मिलता,
मेहनत करनी पड़ती है। पर सर आपने तो बोला आप थाईलैंड में थे। मतलब आसपास तो है दोनों चीज़। मतलब एक फ्लाइट ली थी वहाँ से थाईलैंड से। देखिए आप इन बातों पे इतना ध्यान मत दीजिए, आप फोकस करिए मेंबरशिप पे। देखिए मैम एक ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई ना लाइफ सेट मैम, तो ऐसा करता हूँ आप एक दिन का समय ले लीजिए, मैं कल आता हूँ। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच, कल मैं आता हूँ। कल आपसे अरेंज पैसे मैं उठा लूँगा और आपका फॉर्म वॉर्म जमा करा दूँगा। आईडी ग्रीन कराते हैं सर जी। ओके थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ताली मत दीजिएगा, ताली 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 नहीं ताली नहीं ताली नहीं ताली नहीं ताली नहीं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सर वो मायापुरी के लिए बस कहाँ से मिली? मायापुरी की बस सर एक सेकेंड सर, आप तो बता रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है। ओ पार्किंग है, सॉरी माय मिस्टेक सॉरी। Run. Hello my dear friends. तो कितना कमा लेते हैं आप?